समय भी दूसर हो गई। एक सामाजिक बिरहाई आप लोग सुनल जा, आज समाज में होत का बा, दुनिया में भैया भैया पीछे वाला भाई, ए भाई ए बेटा बोलो नहीं, जाओ उधर। आज समाज में के आपन कहल जा, के आपन बा, भाई आपन बा कि बाप आपन बा कि बेटा आपन बा, आप अपने परिवार में सोच लीजिए। एक पारिवारिक बिरहा हो, ये बिरहा कि आप लोग अपने परिवार से जोड़ के चली हैं, तब बिरहा समझ में आई कि आज दुनिया में आपन बा के, अरे बाप मतारी पैदा करत हो बेटी बेटा के, ओ बेटी बेटा अपने बाप मतारी का कब तक साथ देत हो पता है आप लोगों के? 10 साल तक वो बेटी बेटा अपने मतारी बाप का साथ देत हो, 10 से जब 11 साल लगत बा, 15 साल में बियाह हो जात हो, 16-17 साल के उम्र में लड़का भेल, 16-17 साल का बियाह हो गल, माई बाप खट हो गई लें, महके लगल हैं, वो माई बाप के वृद्धा आश्रम मिल जात बा। जरा आप लोग सोचिए, कल्पना करिए, जवन माई बाप पूरी कमाई अपने बेटवा बिटिया के पढ़ावे लिखावे में बर्बाद हो गई लन, बिक गई लन, लेकिन आज वो बेटी बेटा तनी ससयान हो गई लन। भैया हे बाबू का बात है, बताओ क्या बात है? राम नारायण यादव गुलौरी के धरती से सम्मान के लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे के भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही। भैया वो लड़का का गरज सुना का बात है? सुना नहीं तो लंबे ले एक बतियावा का बाबू, ये मंच में बतिये बा। अच्छा श्याम नारायण यादव गुलौरी के धरती से पुरस्कार दिले 51 रुपए का, बहुत बहुत भैया के प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही। जरा आप लोग बिरहा पर ध्यान दीजिएगा, ए बिरहा के लिखे वाला हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कबीर जी दो बार लिखल तो बिरहा ही सफल भइल, बड़ी मेहनत लगल। कैसे मास्टर साहब? यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर दुनिया, मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा करे के देखो, अरे सदा घर उजारे को नफरत में चाले, जरा घर किसी का पसा करे के देखो, बिरहा के सुने वाले भैया बाबू जरा गौर करिए। आज लोग कहला कि समाज जरत बा, समाज जल रहा है, जमाना जल रहा है, लेकिन हम बताइला महानंद यादव नगरदा के धरती से, ये भैया तनी के बढ़ावा, कहाँ गए माई कोला भाई, तनी कर दूरी बनावा और बढ़ावा। महानंद यादव नगरदा के धरती से बाबूजी सम्मान के लेने बिरहा के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देके बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। माई कोला भाई तनी एकर लेवल बढ़ावा, थोड़ा था मशीन से बढ़ा दा ऊपर वाला, हाँ बढ़ावा। हेलो हेलो हेलो, देखा तो मिक्सर वैसे ना बढ़ता तो
ए चचा बीचे मुठा बैठी मत करा बिरन, उठबा बैठबा तो बिगड़ी बिरहा। बिरहा का कहानी शुरू भइले से पहले जेके जाए के रहा उ चल जाए करे। कहानी में अगर उठबा बैठबा तो थोड़ा सा दिक्कत होले, हमान के ना दिक्कत सुने वाले भाई लोगन के होले। गौर करेंगे बाबू, आप लोग कहते हैं कि जमाना जल रहा है, हाय हाय हाय, लेकिन हम बतावत थे कि जमाना नहीं खे जलाता है। जमाना के लोग इंसान इंसान के देख के जले लगल। जलन का बा काहे बदे आपके पांच तल्ला मकान बनी गल, अब इन हमारे पास मड़िए बा झोपड़िए बा। अच्छा जरा आप सोचिए कि आपके पांच तल्ला मकान बनल हते, आप मेहनत कैला रात दिन ओकरे बाद पांच तल्ला मकान तैयार कैला। इहो तो देखा कि वो पांच तल्ला मकान तैयार करे में मेहनत कितनी लगल। अब तोहरे झोपड़ी बा मड़ई बा काहे कि तोहर लड़का दिन भर जाए के चौराहे पे तास खेलत बा, अयासी करत बा, रोड पे सीटी मारत बा, दारू पियत बा, गाजा पियत बा, कैसे तोहर विकास होई। लेकिन तोके नफरत बा, जलन बा कि हमारे पड़ोसी के पांच तल्ला मकान बा, और धीरे से वही एक बिस्ता आपका खेत बा खन देवा, ऐसन सोचबा कि इनकर मकनवा वही पोखरवा में ढह जाए। यही है इंसान की असलियत, यही है जलन, यही है ईर्ष्या। इसी को देख करके हमारे गुरु जी चाचा के चाचा वाली को दूसर को छोई बोल ले वैदा, बुढ़ाई का शरीर है। चाचा गाय लेब तब बतिए या ना। हाँ अब कहना बा का मास्टर साहब, जरा भाव पर ध्यान दीजिएगा। देखा ई जमाना है, समाज है, सुना मार बात, केहू के गुस्सियाल ना जला। इतना भाई लोगन में सबके अमान थोड़ी ना अच्छा लगत है ना। चाचा हम में कुछ बोले के नहीं हो चाचा हुआ। देखा ये हमके कर्जा दले हुआ हथो जोड़ ले पे न माने, तो अब हम छोट मुँह बड़ा जवाब इना सोचे थैला कि दादा के कुछ कही। अब एक बार बोलब चुप हो जाइए। लेकिन अरे कमेटी के लोग ऐसा रहे, कहा था तू गाना गावा, अब इनके पता ना कि हम यहाँ नाचे थैला। आए हम डांस कर थैला कि नौटंकी कर थैला। आगे हम गावत हिला, इतना भाई लोग प्रेम से सुनत हुआ। आई बूढ़ भैल बहन इनके ज्ञान ना भयल। कमेटी कर रहा है चाहे जमाना कहीं कर रहा है, उसे हमसे मतलब ना हो कुछ भी रहा है। अरे नहीं जे बोली वो सुनी, हमारा नाम उजाला हो, बोली है तो सुनी है। अब इतना लोग मूर्ख बैठल हुआ, इतना प्रेम से बिरहा सुनत हुआ, बड़ी महफिल से बिरहा जमेल, बड़ी महफिल से ही मेहनत करके सफल बनावल जला। बिरहा बोला मत, अगर बोलबा तो हम तो उसे 20 बोले वाला ही, ठीक ना। बूढ़ भैले इसे टिपिर टिपिर कैले हुआ बेफालतू कर। पहली बात अमान के अब का बताई जायदा, जे प्रोग्राम करौले रहला उनका पिताजी का नाम हो, उनके खुद ही ना बोले के सौर बात, तो जमाना के का बताई। धर्मराज यादव गुलौरी के धरती से सम्मान के लिए 1 से 1 रुपए का पुरस्कार देके बिरहा के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। नहीं आपका बाड़ी हमके पसंद ना आई, वो सही है चचा। कहा जला कि सोना चीन है घरी घरी, आदमी चीन है एक घरी, हमनो इंसान है हिला, लेकिन बाड़ी ना पसंद है। आप ठीक हुआ लेकिन आपका बाड़ी हमके बिल्कुल ना पसंद है। हाँ नहीं नहीं आपकी बाड़ी हमको नहीं पसंद है, आप बोले नहीं, आपकी आत्मा वो जानती होगी। आप चलिए, आप चलिए, ये हमके खरीद ले ले हुआ। नहीं नहीं हम काहे खरीद, हम जा तमीज तो तोके इतना मान सिखा दे कि तू बुढ़ा गिला भाई तमीज वाला भैया ना कैला और का बताए। अरे नहीं भैया ऐसे कोई थोड़ी ना बोले ला, आप बुढ़ा भैया बोले के सहूर सीखा। अब देखा हमार दोस्त मत दिया, ये लोग जब जब छड़िया तब तब हम बोलब, चुप रहिया तुम बिरहा गा दे।
ओ पगला गल हुआ का इनके ले जाके पहले बुढ़ऊ के सुतावा लोगन तो। ए भैया कमेटी वाले भाई पहले बुढ़ऊ के सुतावा, जब ले हम गाई हमरे आंखी के सामने दिखाए ना ले जा, नहीं तो हम बैठे भी रहे ना गाई। गावत हम अला मेहनत हम करत हिला आ पब्लिक हमार बैठली। अरे छोड़ा चचाई कैसे बतिया ली, पागले के मुँह लग के पागल थोड़ी ना होके के बाद। आप लोगन के इच्छा का अभी अभी रवा सुनवा हमार गाई की आई बा कुछ ना नहीं बिगाड़ ले बता। हमके तो रोज गावे के आज यहाँ गई कल वहाँ गई परसों वहाँ गई। अरे चचा अमान के आई तो प्रचार के किया आई दूसरी ठहर सुन लिया, जहाँ का मलिका रही सर रही है वहाँ का महफिल कैसा रही, लेकिन महफिल बहुत बढ़िया। सॉरी महफिल के हम कुछ ना कहे, आप लोग बहुत बढ़िया हुआ, हमारे बदे आप लोग भगवान है यार। हो सकेला दू एक मछली जो ना तालाब के गंदा कर देली छोड़ी। आप लोग कहानी पर ध्यान दे, कहानी हमारे ही से शुरू हो गई मास्टर साहब। आवा तनी बजा के आवा बैठा भैया, अब होई होई अब होई कोनो दिक्कत ना बैठा नहीं अब ना। अरे अब ना बिगड़ी बिगाड़ा वाला तो ये लोग बैठा लो, हम तो अपन महफिल बना ले, हमके आप लोगन से मतलब हो। हम जानत ही अब हम कुछ और बोल दी तो हमारे पब्लिक नाराज होके चल जाइए, हमके पब्लिक से मोहब्बत बा। आवा कहना बका मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा देश की चोट, देश की चोट से जिगर कसी सा टूट गया। बचा था जो कुछ, अरे बचा था जो कुछ तेरे अपने जमाने के बहुत अच्छे कलाकार बाबूजी के तरफ से ही पुरस्कार ना हमारा बदे आशीर्वाद बा, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। चला आप लोग कहानी पर गौर करी है, कहानी कहाँ से लिहल गई मास्टर साहब। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता को विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, जौहरपुर के धरती से सम्मान के लन चचा पुरस्कार देके बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। जरा बिरहा पे आप लोग ध्यान दी हैं बाबू, अपने प्रांत यूपी से सटल बिहार, बिहार के रहे वाला दू गो भाई जेकर नाम बतावल गले मास्टर साहब। अनिल यादव अखोड़ा से, अनिल यादव अखोड़ा के धरती से सम्मान के लिए बिरहा के भाव पर क्या रुपए का पुरस्कार देके
भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। जरा आप लोग कहानी पर गौर करी है। दूगो भाई हवे, बड़के भाई का नाम मोहन बा, छोटके भाई का नाम सोहन बा। हाय हाय हाय। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, जकरे औरत का नाम उर्मिला बा। भगवान तीन गो संतान दले हुवन। बड़के भाई के तीन गो लड़का, लेकिन छोटका भाई सोहन जे फौजी जवान बा, बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी लगल बा। सोहन के औरत का नाम बाबू गीता बतावल गल। शादी के 10 साल बीत गल बा, भगवान कौनो औलाद ना दहले हुए। एक बार का बात बा, फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आयल हुए। रात का टाइम बा, दुल्हनिया गीता बेचारी अपने पूरे परिवार के खियाए पियाए के जब रूम में अपने पति के साथे सोए बदे गई बानी, तो अपने फौजी सैया का यह बाबू पैरवा दबावत यही। देखा एक फौजी जवान के बीबी का संस्कार, पैरवा दबावत यही, सुसुक सुसुक के रोवत यही। फौजी जवान का नींद टूटल, घड़ी में देखल 11 बजत बा, रात बा। अपने दुल्हिन गीता से सवाल कैल, कहना गीता हरे पगली, घड़ी में 11 बजत बा, रात के टाइम में ई आँख से आंसू, आखिर क्यों रो रही हो, क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ बताओ। गीता बेचारी रोई के बाबू अपने दिल का दर्द बतावत बा। हर पत्नी जब दर्द होला तो अपने पति से ही बतावेली। आप लोगों से भी हम निवेदन करबे कि अपने पत्नी के दर्द के आप लोग जरूर सुनी है, चाहे जौने भी अवस्था में आप लोग रहल जाई। ये देखल या रोई के गीता बतावत का ही मास्टर साहब। इहे तर्जबा, कवन तर्जबा, तर्ज छोड़ी तनी भाव पर ध्यान दे। कहना कबा, माहुर लियाई देता हमारा के खिया। मर जाती। जब फौजी जवान सुन ले कि हमार दुल्हिन इतना दुखित बा, हमसे जहर मांगत बा कि जहर ले आई के दे दा, हम खाए के मर जाई। फौजी जवान उठ के चारपाई से बैठ गल, कल सरे पगली अब हम जिंदा बनी, आखिर दिक्कत का बा। भैया कुछ कहला का कि भौजी कुछ कहलस, या गांव टोला पड़ोसा को कोई कुछ कहले बा। गीता के आंख से आंसू चलते बा, रोय के बतावत यही कि दर्द का बा। गोड़वा जेठान जी का पारा नहीं भोईया हो, हमारा खातिर मुंह नीली अखिया को सैया हो। मर्जी का विधना के विधान के बतिया लमान हो पिया। इह दर्द बा, रोई के कलस पति देव, हमके ना आपका भैया कुछ कहले हुआ, ना हमके टोला परोसा कुछ कहले बा। रोज रोज का कुफुत बा, तोरे भैया के तीन गो लड़का हुए, हमरे भगवान कौनो औलाद ना दले हुए। जब ही तोहर भौजी हमके देखली तो बोली कुबोली बोलैली, कहली बझनिया का जियत बा,
एकर मुंह देखा पाप बा, जाई के कहीं जहर माहूर खाई के मर सात, नई रहत घरे न एकर मुंह देखे के पड़त। अच्छा ये बाबू बतावा ओ माँ बेचारी का कवन दोष बा, ताना सुनत सुनत कलेजा फट गल बा, हम सोचत बनी के लिए आई के जहर दे दे खाई के मर जाई। फौजी जवान अपने दुल्हिन के अकवारी में पकड़लन, अखिया कया सुगा बाबू पोछत हुआ, आखी कया सु पोछत फौजी जवान का सोच देखे अपने दुल्हिन के समझावत हुए। अच्छा एक बात और बात, आज के प्रवेश में कुछ भाई लोग ऐसन दिल दिमाग कहो ये समाज में, अगर 2 साल शादी के हो गल, 3 साल हो गल, बच्चा ना पैदा हो था, सोनोग्राफी का बतिए छोड़ा, पहले तो ओकर सोचिए कि पहले के तलाक दे दे छोड़ दे, अगर तलाक ना दे तो ओकर बेचारी का मर्डर वही घरवे में कह दी है, दूसर शादी करी है वहू से बच्चा ना पैदा भल, तीसर कैला वहू से ना बच्चा पैदा भल, तो गलती के करवा का, सारी गलती सारी कमी नारिये में ना होला, इस शरीर में केवो में कमी हो सकेला। फौजी जवान अपने दुल्हिन के समझावत का हुआ, जरा आप लोग विचार करिएगा भाव बा। राम लाल चचा जी सम्मान कैलन 51 रुपए का पुरस्कार देके, लगातार पुरस्कार चचा के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही, बहुत बढ़िया महफिल बा, आप लोगन के भी प्रणाम, लेकिन बिरहा पर ध्यान दे। फौजी जवान समझावत का हुआ, अरे गीता दुलहिनी आक्या फौजी समझावेला, अरे गीता दुलहिनी आक्या फौजी समझावेला, पार करिए हम हन कहे बुढ़िया गोरी हो तीनों भैया कहे दुला, हम तो कभो कुछ ना कह ली ना, अरे मालिक का बगिया बा, भगवान दी है तब ना हमान के कौनो औलाद हुई, जब चाहिए भगवान तब है बगिया में फूल खिली, अगर ना मालिक चाहिए तो फूल ना खिली, लेकिन बारे दुनिया के मालिक भगवान का करिश्मा देखा। फौजी जवान समझावत हुआ कि गीता हमारे लड़का ना हुआ तो का हई भैया के 3 गो लड़का हुआ ना, यही भैया के 3 लड़िकन के अपन लड़िका मानला, हमहन के बुढ़िया पे कामे यही हैं, लेकिन बार दुनिया के मालिक होत का बा, सुनत रल बतिया विधाता खुश भइले, आया मामा की डरिया पे बउरा लागी गाइले, जब या धजल में नेवरिया गोरी हो तब गोसैया करी है पार। फौजी जवान दुल्हनिया के समझौते हुए ये बाबू, लेकिन बारे दुनिया के मालिक आप लोग कहला कि कबो कबो संतोष का डार मेवा फर दिले, भगवान वही अइला में गीता के गर्भ दे दहलन, गर्भ ठहर गल, धीरे धीरे 3 महीना बीतल बा, बड़ा परिवार में खुशी बा कि गीता के पथरे पर डूब जाम गई, 10 साल के बाद बच्चा पैदा होके वाला बा, अब 3रे महीना में बाबू फौजी जवान के छुट्टी का डेट भी पूरा हो गई, फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चलत हुआ। अच्छा चलत कैसे हुआ, तर्ज बदल गई मास्टर साहब, 1 मिनट, आशाराम यादव पूर्व बीडीसी बाबूजी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ के भाव पर, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही, कहना है क्या माल टरिए में चलल, माल टरिए में चलल बला मारसिया, माल टरिए में चलल बला मारसिया,
आर विधि के भरोसे बनैया बोझाइल नवा महीनवा की नरवा पे आइल जरा गौर करेंगे बाबूजी, फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भइल, रोड पे बाबू परिवार के लोग पहुंचावे जात हुआ, बस के इंतजार करत हुआ फौजी जवान सोहन, तब ले बाबू टाइम भी बस को हो गई बा। अपने दुल्हनिया के समझावत हुआ कल गीता, बड़े मुश्किल से 10 साल के बाद तो के गर्भ ठहरल बा, एकर तो ध्यान दिया, एक काम कम करिया चली, लेकिन विशेष ध्यान ए बच्चा का दिया। ये तने बतिया दुल्हनिया से कही के गईले अपने भौजी के पास, हथवा जोड़ के कल भौजी देखा अगर गीता काम काज करे में पाँव भारी बा, थोड़ा दिक्कत हो सकेले, अगर गीता अस्किता जाइ हैं तो थोड़ा से हाथ बटाई के गीता का सहयोग कर दिया। इतने भौजाई के समझाए के तबले बड़ के भैया अपने मोहन के पास गए, कहा भैया हम तो जा थैला तोहरे भरोसे छोड़ के, टाइम टाइम से इलाज दवाई करावत रहिया, कोनो दिक्कत ना हो, अगर गीता के दिक्कत कोनो देखिया तो एक बार फोन जरूर हमके कह दिया। इतने बतिया करत में बाबू तबले बसिया आए गई, फौजी जवान बस में बैठलन, बाय बाय टाटा कैलन, अब गैलन कहाँ पहुँचलें, बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान अपने ड्यूटी पर तैनात हुए। अब धीरे धीरे नवा महीना लग गल, तीसरा महीना से अब नवा महीना लगल बा डिलीवरी होखे वाला बा, समय पूरा हो गई बा बच्चा पैदा होके कर, पेट में दर्द भी होत बा, हल्का हल्का ब्लेड भी चलत बा, प्रसव पीड़ा जवन होला, ए भैया वही प्रसव पीड़ा में गीता के जेठान उर्मिला के विस्माद पैदा हो गए। उ लगल सोचे कल कहो 10 साल के बाद गीतवा गोल मार दलस, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा ई आधा हिस्सवा बटवाए ले। ए भैया वही अवस्था में लगल गीता से उर्मिला झगड़ा करे, और झगड़ा कई के अपने नैहरे चली गई, फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस, मोहन जब गईले कहले कि अरे उर्मिला तू पागल भइलू, गांव पूरा बा टोला परोसा में बड़ा सा मजा ले, ये अवस्था में गीता के तू छोड़ के अलू, बतावा ओकरा पेट में दर्द होत बा, बच्चा पैदा होखे वाला बा, अगर परिवार में कोई ना रहेला तो नताई रिश्तेदारी से लोग सम्हारे बदे आ जाला, और तू ये अवस्था में छोड़ के नैहरे आ गईलू। तबले तो भैया उर्मिला गुस्सा में लाल, कलस कहो तू का बतियावत हुआ तोरे समझ में ना आवत बा, बड़का भाई भय वाला भयल हुआ, ई बतावा तोहरे 3 गो लड़िका हवे, 10 साल हो गल गीतवा के शादी के, आ 10 साल के बाद ओकरे बच्चा पैदा होके वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा वो आधा हिस्सवा बटवा ले, ई बतावा अखिया मुनले हुआ हई जौन तोहर 3 गो लइकवा हुए का राखी माटी चाट के जीवन बीतई है। मोहन कपारे हाथ धैले, खले अरे पगली उर्मिला, सोहन हमार छोट भाई बा, अरे भगवान के घर से आधा सोहन का बा आधे न हमार बा, अरे जे आई अपने किस्मत कमाई से खाई, काहे तू टेंशन ले ले चला घरे, कल सुनिला सुनिला कह दे थैला कि घरे हम वही शर्त पे जा, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई तो समझ लिया यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई, और शर्त हमारी बाकी तोहरे घरे चलब कब, जा कोनो ऐसा उपाय लगावा कि गीतवा का बच्चा वही गर्भवय में खत्म हो जाए। ए भैया मोहन का विचार बदल गया, गाड़ी उठौले अपने मेहरारू का बात सुन के अइले कहाँ घरे आ गइले, देखत हुआ घर में ताला मारल बा,
आ जब ताला मारल देखल है तो पड़ोसी में पूछल है कि अरे भैया कोई गीता के देखला कहाँ चल गए लालू का आत्मा। जे देखले रालू बतौलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहा है, डिलीवरी होखे वाली बा, वो बेचारी अकेले हॉस्पिटल गईली। जरा गौर करेंगे बाबू, यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया, गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। जरा गौर करिए बाबू, गीता बेचारी हॉस्पिटल में अकेले जाए के भर्ती भइल बानी, डिलीवरी होखे वाली बा, और तब ले भैया हो मोहन पहुंच गेले हॉस्पिटल, तो गीता के पास ना गई ले। गीता बेचारी दर्द से परेशान बा, प्रसव पीड़ा बा, वो डायरेक्ट जात हो सीला नर्स के पास। कला मैडम प्लीज, एक्सक्यूज मी मैडम, 2 मिनट का आपका वक्त चाहिए, क्या 2 मिनट दे सकती हैं? नर्स बोली हाँ सर, बोलिए क्या बात है। कला मैडम, जो गीता नाम की औरत भर्ती है, जो डिलीवरी केस है, वो हमारी भयो है, मैडम किसी से बताना मत, मैं आपको 25,000 रुपया दे रहा हूँ, मैडम प्लीज एक काम करिए, उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अब नर्स आ गई पैसे के लालच में, एक इंजेक्शन लगाती है बाबू बेहोश होने का। गीता बेचारी अर्धचेतना में हो गई। हमार माई बहन लोग बैठल हैं, ये लोगन के पता बा, एक बच्चा पैदा करे में भैया ना 1,000 सुई का पीड़ा सहाय के पड़ेला। अपने मौत के मुंह में जाकर के हमारी माताएं बहनें तो एक औलाद पैदा करती हैं। धन्य है आप लोग। 1,000 गो सुई इंजेक्शन लगा दा बेहोश भैला का, वो कबो न असर करी, वैसन पीड़वे होले बच्चा पैदाइश के कि नारी के पता चल जाई। अब वो नर्स 25,000 ले ला ले बा, एक बेहोश होखे वाला इंजेक्शन लगौले बा, वही अर्ध चेतना में बाबू गीता के बच्चा पैदा भेल बेटा, जिंदा बच्चा पैदा भेल, रोवत बा, कान तक आवाज सुनात बा गीता के, लेकिन वो अर्ध चेतना में है, क्या कर सकती है। धीरे धीरे समय बीतल, जब वो इंजेक्शन के असर खत्म भेल तो उठ के बैठ ली चरपैया पर गीता, अटोवत ही बचवा के देखत है कि कहाँ हमार लाल बा, ए भैया चरपैया पे बच्चा हाइबे ना करे। गीता सीला नर्स के बुलाई के पूछली कली मैडम मेरा बच्चा कहाँ है, बेटी पैदा हुई थी कि बेटा, जरा दिखाओ ना, खुशी बा ना। तो ये नर्स का कात बा, देखा एकर पापिन का विचार, इमोशनल अत्याचार करे लगल। कलश गीता क्या बताऊं, तुमसे ज़्यादा तो कष्ट मुझे हो रहा है, बेटी पैदा हुई थी, देखा पपिनिया बतावत या बेटी, आज समाज में बेटी के लोग बड़े तुक्ष निगाह से देखल है, सोचल से बेटी बता दे बतिए खत्म हो जाई। कलश अरे बेटी पैदा हुई थी, जो कि बेटा पैदा हुआ था, कलश बेटी पैदा हुई थी, वो मर गई थी, मैं सोच रही थी तुम अकेली हो परेशान हो जाओगी, मैंने उस बच्ची की लाश ले जा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, कैसे बर्दाश्त हुई हो बाबू, 10 साल के बाद भगवान गोद भर ले हुए हैं। चरपैया से गीता उतर के वही सीला नर्स के पैरवा पर गिर गई, गिर के रोवत है, अगर दिल से सुनेंगे एक बार आप लोगों का कलेजा कांप उठेगा। दर्द है विरह में करुणस का भाव मास्टर साहब, देहली जनमाना खेला वाले के भागी भाई, हर जहरा का सुइया लगाई दे तू बहनी,
हमके पढ़ला बाकी सैया के पढ़ला लाल हर हमके मुवला के दिखाई दे तू बहिनी मुहावा के चुमी ले कोरा में खेलाई ले अरे भाई जी के हमारे बोल वाई दे तू बहिनी हे बाबू रोवत के गीता गली मैडम बेटी पैदा हुई थी मर गई थी मैडम मैं आपके पांव पड़ती हूँ मेरी बेटी की लाश मुझे दे दो मैं एक बार अपनी बिटिया रानी के लाश को देख लेती हूँ मेरी बिटिया रानी का चेहरा मुझे पड़ा था कि मेरे पति देव को पड़ा था कैसी थी मेरी बिटिया एक बार दे दो मैं गोद में मरी हुई बच्ची खिला लूंगी ना बाजिन का नाम खत्म हो जाएगा मैडम दे दो नर्स गुस्सा में आ गई पावर मिलल बहु के ना भाई परिवार है जब ऐसन काम करत बा पैसा दे के बच्चा मुआवत बा तो अपने आप में रही नर्स गुस्सा में आ गई पैसा का गर्मी बा कला सराय गीता क्या बार बार तुम बच्ची बच्ची कर रही हो अरे मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया बेटी पैदा हुई थी मर गई थी मैंने फेंक दिया सोच रही थी तुम अकेली हो परेशान हो जाओगी क्या करोगी लाश को लेकर के मेरे हॉस्पिटल में रहना है इलाज करवाना है तो करवा ले नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल जा गीता कली है मैडम एक काम करी जहर का सुई हमके लगा दी हम मर जाइए हॉस्पिटल वही में गुस्सा में लाल नर्स बोली मैं गीता सुन मेरी बात अब तेरा नाटक बहुत हो रहा है तेरे नाटक से जितने सारे पेशेंट सब परेशान हो रहे हैं निकल जा मेरे हॉस्पिटल से गीता कली मैडम डांटिए मत मैं चली जाऊंगी लेकिन मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए भाई जी कौन समझ रहे हैं आप लोग जेठ के अपने भसुर के जेठ के बुलावे कहलस गीता ए बाबू संदेशा भिजवाई के नर्स शीला वो मोहन के बुला ललस आ जब मोहन अलन तो देखा गीता के पास डायरेक्ट जात हूँ अब शीला नर्स के पास ना गईलन गीता के पास जाए के करत कहूँ अरे मोरे राम इमनवा जहिया पैसा पर बिकी धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुत जाई कफनवा रे कफनवा इमनवा जहिया पैसा पर बिकी धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुत जाई कफनवा रोकर मोहन कहन लगा गीता मन में करो सबर मालिक को मंजूर न था जल्द चलो अब अपने घर अर्ध चेतना में गीता देखी बच्चा खोल नजर फोन पर रोती मिस साजन से नया नया स बहे झरझर विचार करिए बाबू मोहन अलन गीता से कलन की गीता क्या किया जाए दुख तो बहुत ज्यादा है लगता है भगवान को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले बेटी पैदा हुई थी मर गई थी चलो चलो घर चलते हैं गीता हथवा जोड़े लली काली भाई जी आज ले तो गांव में लोग बाजिन बाजिन काला है लेकिन आज के बाद हमके लोग पापिन कही बच्चा पैदा कैले वही हॉस्पिटल वही में खाई गई भाई जी आप जा हम ना जाई हमर बच्चा मर गल तैयार है जहर माउर खाए के हमहू मर के आत्महत्या कर ले ए भैया जब इतनी बतिया मोहन सुनलस हो सोचलस कि एकर बच्चा मर गल अब बच्चा के शोक में ही हो मर जाई सोहन का फोन आई खाली इतना कहे के बा कि सोहन डिलीवरी टाइम पेट में गीता के इतना काफी दर्द भयल जच्चा बच्चा दोनों सतहों में खत्म हो गई लन इहे सोचत मोहन गाड़ी स्टार्ट कइले घर के तरफ चलल होए लेकिन भैया हो गीता के डोले भर के शक्ति ना रहल सड़क को है पार गईली आत्महत्या करे के कोशिश करत है कि मर जाई लेकिन एक बार अंदर से दिल बोललस कि आखिरी बात
आखिरी बार अपने पति परमेश्वर से बात कर ली। फोन कहाँ लगौले ही? बैरिकपुर कलकत्ता में अपने पति के पास। अब फोन उठत ना बा क्योंकि फौजी जवान भोजन करने के लिए बैठा था। तब तक एक बगल का दोस्त देखा, बोला अरे भाई सोहन देख ना तुम्हारा फोन कब से बाज रहा है। सोहन फोनवा देखना कहना अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है। फौजी जवान फोनवा उठाई के पहला वर्ड बोलत हूँ हेलो, अरे गीता कोनो शुभ समाचार बतैया, का हाल बा, का शुभ समाचार बताई। बेचारी टूट गई, आवाज नहीं निकल रही है। सोहन परेशान हो गया, बोल ना गीता क्या हुआ, बोलो क्यों परेशान हो, क्या हुआ, सही सही बता दे गीता। गीता बाबू वही फोनवा पर रोई के बतावे लगली हो, कल जब वही फाट गल। अच्छा रोई के बतावत कहीं मास्टर साहब, अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटा या शोभा समाचार हो, हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटे या शोभा समाचार हो, जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना लाज अलग पार हो, जनमल कराल अमर हम क्या देखावला नहीं। विजय बहादुर यादव हमारे बड़े भैया विजय बहादुर यादव जी एक करुणस के भाव पर भावुक होकर के एक से एक रुपये का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। भैया के बहुत बहुत प्रणाम। रामलाल चाचा जी के तरफ से लगातार ये पुरस्कार 50 रुपये का पुरस्कार करुणस के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही बाबू 5 मिनट और आप लोग बैठल लियन बिरहा कही, जैसे जैसे बिरहा बढ़त बा वैसे करुणस आप लोगों के मिलत जाई। चूँकि ऐसा समाज में कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जो हम लोग मजबूर होकर के गाते हैं बिरहा के रूप में, लेकिन गौर करिएगा। दुल्हन फोन पर बतावत बका, अरे जनमल कर रहा हमारे हम क्या देखावला नहीं, भैया तोहार कवनो जुगती लगावला नहीं, जब ले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जब ले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, ये भाई पारा ना वानी सार हो, सब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फौजी जवान कहला गीता अरे क्या तू बक रही है, कैसी बातें कर रही है, बोल ना क्या हुआ, अभी मैं जिंदा हूं बोल क्या हुआ। गीता कहली पति देव मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे इतना पता है बच्चा पैदा हुआ था तो जिंदा था, क्योंकि वो रो रहा था, उसकी रोवाई मेरे कान तक जा रही थी, लेकिन नर्स पापिन मुझे दिखाई नहीं, बोली बच्चा मरा था। ये नहीं मैं बता सकती हूँ कि बेटी थी कि बेटा, क्योंकि मैं आंख से देखी नहीं थी, सिर्फ उस बच्चे की रुवाई सुनी थी, लेकिन नर्स बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, उसको मैंने ले जा करके फेंक दिया। फौजी जवान कहना गीता भैया के ना मालूम बका, भैया से ना कुछ कालू का। गीता काली भाई जी अल
कौनो जुगती ना लगौले, कौनो रिस्क ना लेलन। बस जियत कब लहिला, जब ले आपसे फोन पे बात होत बा तब ले जियत थैला। अब पे फोन कट जाई, आत्महत्या कैले पति देव। फौजी जवान कह रे गीता क्यों पागल हो गई? अरे पगली मैं बता रहा हूं ना कि मैं जिंदा हूं, बेटी मर गई ना, चिंता मत कर गीता, गलत कदम मत उठाना गीता, मेरी कसम गीता एक कदम आगे मत बढ़ाना। सुन मेरी बात, फौजी जवान हो, फोनवे पर बाबू हो, रोवत हुए अपने दुल्हनिया की, कहत हुए समझावत का हुआ। अरे यखिया से लसिया बाया न गोरी, अरे यखिया से लसिया बाया न गोरी, डटला रही हा घर में जई हा न गोरी, डटला रही हा घर में जई हा न गोरी, डटला रही हा घर में जई हा न गोरी। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ ली हलाई गाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ ली हलाई गाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ ली हलाई गाड़ी। अरे धीरज कदिया ना बुझाई हा न गोरी, टटला रही हा गोरी, टटला रही हा गोरी, टटला रही हा गोरी। फौजी जवान कले गीता मेरी कसम तुम्हें कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तत्काल छुट्टी लेता हूँ और पगली तुम्हारे पास मैं चला जाता हूँ। सुन मेरी बात, फौजी जवान ए बाबू तुरंत गईलन छुट्टी लहले तत्काल, आ तत्काल छुट्टी लेके कलकत्ता से चल धलन। अच्छा जे भाई कलकत्ता गेल हुई ओके पता हुई कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बात, 5-6 घंटा में आदमी आराम से कलकत्ता से बिहार आ जाई। अब फौजी जवान बाबू गाड़ी पकड़लन, पहुंचले कहाँ, बिहार में। नहीं बंद मत करिए, नहीं रहे दा, खाली कपड़ा उड़त ना दिक्कत होती है। आज अब फौजी जवान बिहार में पहुंचले तो ई पॉइंट वाली बात बा, ना अपने घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन। अब फौजी जवान पहुंचत कहाँ हुआ मास्टर साहब, राजकरण यादव बाबूजी की तरफ से ए बिरहा के फौजी जवान के वीर भाव पर सम्मान कैलन, डुहिया के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू, फौजी जवान ना घरे गईले ना हॉस्पिटल, पहुंच गईले दरोगा साहब के पास, जाय के सारी बात दरोगा साहब से कह दलन। दरोगा साहब कहलन कि आप सर बैठिए, मैं कुछ महिला पुलिस भेजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस गईल हैं बाबू अशीला के लेके श्यामलाल सम्राट बड़े भैया जी के तरफ से, ये बिरहा के वीर स्वभाव पर 200 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम। जरा कहानी पर ध्यान दीजिएगा, शीला नर्स के बाबू दरोगा साहब महिला पुलिस भेजवाई के थाने पर बुला ललन। सिचुएशन का बा वहाँ के, ये दरोगा साहब का कुर्सी, ये फौजी जवान का कुर्सी, सोहन का कुर्सी, और ठीक वही के बगलिया में शीला नर्स का कुर्सी बा, एगो पर्दा बा, वही पर्दावा के पिछवा लोग गीता के आड़ में बैठूले हुए। फौजी जवान और शीला नर्स से पूछे लगल, कहे कि आप शीला नर्स हैं? तो नर्स बोली हाँ सर जी जी। अच्छा एक बात बताओ, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी तुम्हारे हॉस्पिटल में, वो जो डिलीवरी केस था उसमें कैसे क्या हो गया? तो देखा वो पपिनिया कितना दिमाग लगावत हो। कहला सर ये साहब वो गीता की बात कर रहे हैं आप ना रे, वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, मैंने तो बहुत मदद किया, बेटी पैदा हुई थी साहब, वो मर गई थी। फौजी जवान जब ये शब्द सुन ले कि बेटी पैदा हुई थी मर गई थी,
शरीरिया में एकदम आग लग गई। फौजी जवान पूछला कि अच्छा बेटी पैदा हुई थी मर गई थी तो फिर क्या हुआ? कहा साहब मैंने बहुत मदद किया, उस बच्ची के लाश को ले जा करके फेंक दिया। अरे फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन, कले अरे साली जिंदा बच्चा था वो मरा हुआ बच्चा था, वो बच्चा मात हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा किसी का परिवार अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? उसकी लाश को उसकी बॉडी को उसके परिवार के हवाले करना चाहिए ना। फौजी जवान लगला बेल्ट निकाला है, कला साली अभी भी मौका है, साफ साफ जल्दी जल्दी बता दे नहीं तो बेल्ट निकालूंगा, इतनी धुलाई करूंगा कि जो हॉस्पिटल चला रही है ना भूल जाएगी। अच्छा तब वो ना बतावत बा बहकावत बा, तब ले फौजी जवान निकाल के बेल्ट दिहालस चार छह बेल्ट। जब चार छह बेल्ट लगल तो ये बाबू आप लोग कहला कि मार के आगे भूत भागेला, हथवाई से ऊपर कललस जोड़ ललस, कले हे सरकार ये को बेल्ट मत मरिया, बहुत पीठ पे चोट लगत बा, साफ साफ बता दे वो सरकार। फौजी जवान कला जल्दी बता अभी भी मौका है। ए बाबू बतावत बा, चार लाइन बिरहा में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे गुरुजी माननी प्यारे लाल कवि जी लिखत हुआ, पूरे बिरहा का निचोड़ यही चार लाइन में बा, ध्यान दीजिएगा। उपपिनिया बतावत बा, का बतावत बा मास्टर साहब? भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापियन के कावन रखे का, अरे हो टूट गाय नरसा कुल बा गलती ना बा, हम पैसा के लालच में आई के गलती कदली हो साहब। फौजी जवान कला पैसा कौन दिया पैसा, कैसा पैसा? तब उपपिनिया बतावत या कैसन पैसा के दहले बा पैसवा, तो हर बड़ा का भैया दहले हम के रुपया साहब, बड़का भैया मोहन ले लो इंदिरा भाई चाचा का नाम सुन लिया, कल आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया डाले, कल वो बचवा के गर्भ में खत्म कर दिया। ए साहब हम न पैसा के लालच में आई के हो साहब, ईमान हमार डूब गयल, गीता के एक इंजेक्शन लगौली बेहोश महिला का, जब गीता बेहोश हो गई साहब बेटा पैदा भैल साहब, जो नम बिटिया कत रही झूठ बोलत रही साहब, जिंदा बेटा पैदा भैल साहब। जब फौजी जवान सुनलन कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ बेटा था, फौजी जवान के गम नहीं है कि बेटा था कि बेटी थी, दर्द ये है कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, आंख से आंसू आ गया। फौजी जवान कहले बेटा पैदा हुआ था जिंदा था, तूने कैसे मारा रे, क्या किया था वो मासूम बच्चा, कैसे हिम्मत पड़ गई, क्या गलती किया था, कैसे तूने मारा?
तब पपिनिया बतावत बाकी वो बचवा के मरलस कैसे ये बाबू, जरा गौर करिएगा। एक करोड़ के भाव पर विजयनाथ यादव गोसाईपुर के धरती से चाचा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, जरा गौर करेंगे बाबू। वो पपिनिया बतावत बाकी वो बचवा के कैसे मरले बहो मास्टर साहब। जन्मल सुगानावा के जोरवा में रखली साहब, पुलिस फोर्स साथे चलली नरसाओ पपिनिया बाबू, झाड़ी आई के वो रयले जाबा दुखा मा। गौर करेंगे बाबू, 2 मिनट ऐसे और बैठल लई बिरह के आखिरी भाव बा, उकरे बाद उठा बैठी करिए नहीं तो बिरहा बाबू बिगड़ जाई। मुंशी लाल यादव भटपुरा भटपुरा नगर से नरवपुर, अच्छा अच्छा, आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ के भाव पर, बहुत बहुत प्रणाम, जरा गौर करें बाबू। पपिनिया बतावत बकला से साहब जिंदा बेटा पैदा हुआ था प्लास्टिक में लपेट के, हो साहब बोरा वाले छोरा में रख के वही झड़िया में फेंकवा दले साहब। कल बताओगी? चलो ए बाबू, प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस, सोहन सोहन का औरत, मोहन मोहन का औरत, आओ पपिनिया नर्स आगे आगे चलत ब वही झाड़ी के किनारे। माई के पता चलल हो बाबू कि हमारे लाल के हमारे बचवा के ये पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा, पूरी भिड़िए के बाबू हो चीड़त फाड़त, माई सबसे आगे निकलल। जब माई सबसे आगे निकलल हो बाबू वही झड़िया के किनारवा खड़ी भइल माई, आ झोरवा देखाए गयल बाबू, झोरवा तो देखाए लेकिन गजब हो गयल। वो झोरवा के यारी यारी बाबू ऐसा दृश्य देखे के मिलल कल जब फाट गया। अच्छा वो दृश्य का रहल मास्टर साहब, बल्लर यादव तिलंगा के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ के भाव पर, बहुत बहुत प्रणाम, जरा गौर करेंगे। माई वही झाड़ी के किनारे खड़ी बा, झोरा देखात बा, लेकिन वो झोरा की यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलत बा जोन कलेजा फट जात बा बाबू। वो दृश्य का बा मास्टर साहब, चार कुत्ता झोरा वाई के अरे अरे गुर जत रहल, देख के करे जावा पे टूटल या समा। झोरवा के पास आईली लड़का का मतरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। गौर करेंगे बाबू, माई देखलस झोरवा बा, चार गो कुत्ता बड़े बड़े आपस में गुर्जत हुए। माई कलजवा पे हाथ धैली कहली हे भगवान, आज इंसान इंसान का नाम भयल, हमरे लाल का लस्सी देखे के ना मिली, लगत भाई कुत्ता ही जानवर हो खाए गल हुई है। माई कुत्तवन से डराई ना, दौड़ के गई बाबू झोरवा के उठा लली। जब माई झोरवा के उठौली है बाबू तबले सोहन पहुंच गई ले, फौजी जवान देखले हाथ में गीता के झोरा, थर 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 कांपे लगले, कहले रे गीता बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, रे गीता जमीन पर झोरा को रख दे। अरे पगली
आज अपने नसीब का बचवा होता ना, ये झाड़ी में नहीं रे पगली, तुम्हारे गोद में रहता, रख दे रख दे रख दे, गीता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। ए बाबू वो झोरवा के माई लगली छोरे, और जब झोरा के छोड़ली तो पपीनिया सही में बचवा के प्लास्टिक में लपेटले रहल, और जब माई प्लास्टिकिया से निकलली है बाबू अपने अस्तन तक लगौली, बारे दुनिया के माली को बचवा जियत मिलन। भगवान का आहार दले रलन। जरा आप लोग सोचिए 36 घंटा हो गया था। अभी हम जौनपुर का बात बताओ थी, मीडिया के माध्यम से सुने के मिलल कि जो गोबर होला ना, घूर होला गोबरे का, ओमा लड़की 2 दिन के बाद मिलल फेकल, बच्ची छोटी सा, जैसे बोला ना अवैध संबंध कोई बना लेला और बच्चा पैदा करके फेंक देला। कभी कभी आप लोग भी सुन ले हो बा, देख ले हो बा। जरा सोचिए मालिक का आहार दले रलन। हम अपने गुरुजी से सवाल कैली, हमारे गुरुजी बतौलन कल बेटा जब भी बिरहा गईया ते बात के पब्लिक के बीच में जरूर बतैया, जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा। गुजरात के भूकंप में, जिस समय गुजरात में भूकंप आया था चाचा आप लोगों के पता हुई 2001 या 2 में, हम लोग बड़ा छोटे छोटे रली। गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, मीडिया वाले दिखा रहे थे टीवी पे, न्यूज बता रहा था कि सारी शरीर माई का सड़ गई बा। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का अस्तन पियत मिलल। बताइए मालिक का आहार दले रलन। आज भी ये धरती पे कुछ सच्चाई बा, सच्चाई ना रहा तो वो बच्चा मर गल हो। लेकिन गौर करे सारे लोग इकट्ठा हैं, पूरी पब्लिक ऐसा जुटल बा, मोहन हवा मोहन का औरत एकदम बात नावत बा, खाली ऐसा हाथ पकड़ के दोनों परानी खड़ा हुआ, सबकर मुंह ताकत हुआ। यहाँ सोहन सोहन का औरत, महिला पुलिस प्रशासन के लोग, असीला नर्स सोहन जाए के बड़ के भैया के सामने खड़ा भईने मोहन के पास, हथवा जोड़ के कहला भैया धर्म का भाई ना रला, कोक का भाई रला, एक खून पानी करला। भैया कहीं भौजी ऐसन कैले हो तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता, भौजी दूसरे के घर से आई लल, लेकिन भैया एक खून पानी कहो के इतनी बड़ी गलती कैला। धन खातिन, रुपया खातिन, पैसा खातिन, जर जमीन खातिन हमार दुनिया उजाड़त रला। ए भैया सारी प्रॉपर्टी लेला, 1 इंच आप करना चाहिए, पूरी पब्लिक के सामने कसम खात बानी, ये परिवार में, ये गांव में, ये क्षेत्र में मुंह दिखावे ना आई, अगर कभो आ जाई तो तोके डर लग जाई कि सोहन आए गल हिस्सा बटवा ली, ले जा हमरो हिस्सा 1 इंच ना चाहिए। लेकिन भैया कौने जन्म का बदला चुकौला, यतने कही के बाबू फौजी समान सोहन लगले रोवे, अपने बीबी के अपने बच्चा के लहले अचल दहले बैरिकपुर कलकत्ता के लिए। तबले बगल में दरोगा साहब हुवन आवाज लगौले सोहन के, कहला रे सोहन रुक जाओ कहाँ जा रहे हो, कहला साहब हम जा थैला अपने ड्यूटी पर, अब पूरे पब्लिक के सामने कसम खा गल्ला कि कभो ये परिवार में चेहरा दिखावे ना आई, जा हमार भाई सारी प्रॉपर्टी लेके खुश रहें। दरोगा साहब कहला सोहन रुको आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, कब तक पैदल जाओगे, कहला हे साहब जो उन्हें गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई कवन मुहावा लेके जाई, वो साहब ममता बा भैया भौजी कर, भौजी से कबो कड़वी आवाज में बात ना कैली, भैया का जवाब ना दली, दर्द बाकी भैया भौजी ऐसन काहे कैलन। यह कही के बाबू फौजी जवान चलत हुए, और दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन, और शीला नर्स के मोहन के औरत के हाथ में हथकड़ी लगौलन, और गाड़ी में बैठा के ले जात हो जेल में बंद करे बदे। और इससे पब्लिक ताकत बा कि सोहन बेचारा जात बा अब कभो लवट के ना आई। तबले भैया हो वही पब्लिकिया मसे ये कैसन आवाज आई जोन करे जवई के चीरी लालस। अच्छा वो आवाज आई कौन भैया के बीड़ी पिया था वो कतो तनी से 2 मिनट मत पिया बस। वो आवाज कैसन बा केकर बा बिरहा के आखिरी लाइन तनी आप लोग ध्यान लगा के सुनिए। आप
सूरज टेंट हाउस पता झम्मनपुर गोपीगंज प्रोप्राइटर बड़का भैया संजय यादव अनुराग भाई के दोस्त बनपुरवा के धरती से भैया के तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। जरा बिरहा के आखिरी भाव पर ध्यान दी बाबू कहना बाबू एक मिनट आखिरी तो समझ ला कि हम गौली काहे बदे बिरहा में अगर टाइम लगेले तो कर निष्कर्ष निकालल जला और उर्दी झगड़ा एक्के में कैले का मतलब का हुई। पहले कर आखिरी समझा कि हम गौली काहे ये बिरहा से हमारे नौजवान भाई लोगन के कितनी सीख मिलल हमारे माता बहन लोगन के कितनी सीख मिलल। बिरहा का मतलब एक सीख होला। बिरहा का मतलब ही ना कि खाली गौले चल जा 10 मिनट का बिरहा गाय के बंद कर दा बिरहा हो गई ना ही। बिरहा का मतलब एक संदेश जाए चाहे हम यूट्यूब पर गाई ला चाहे मंच पर गाई ला आखिरी में बिरहा के माध्यम से समाज के लिए कुछ संदेश जरूर दे ला। जरा गौर करिएगा कहना बका बाबू जी के जेलिया में अब पुलिस लेके जाई हम हन के पढ़ाई और लिखाई के सोहन जात हो अपने बीबी बच्चा के लेके बैरिकपुर कलकत्ता ए भैया तबले मोहन के तीनों लड़का हाथ मीज मीज के लगले रोवे अरे चाचा 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 अरे चाचा मम्मी पापा गलती कैले मम्मी पापा के पुलिस ले गई सजा अमान के देत हुआ चाचा अमान पागल ना ही अनबुझ ना बनी आज तक जोन पढ़ल गल लिखल गल जोन कपड़ा शरीर पे चाचा तोहार देन बा पापा खेती कैले चाचा कबो पैसा का हिसाब ना लालाए चाचा हमान के अपने साथे लिए उले चला चाचा। देखिए ममता मोहन के तीनों लड़का जब रोवे लगले गिड़गिड़ाए लगले सोहन जहां के तहां रुक गईलन अपने पत्नी के मुहे पर तकले कले देखो गीता देख देख रे पगली देख मैं तुमसे पहले ही बोला था ना कि भैया का तीनों लड़का अपन लड़का हमें बुढ़िया पे कामे यही है। देख पगली अपना खून बोल रहा देख अब समझ ले गीता तुम्हारे पास एक बच्चा नहीं चार बेटा हो गए चार चार बेटा का मतलब आप लोग समझत हुआ एक थे सोहन का तीन गो मोहन का चारों लड़कन के लई के सोहन गईलन बैरिकपुर कलकत्ता जहाँ ड्यूटी करत रहलन चारों लड़कन का एडमिशन करौलन भाई बहन छोटके का ना होता लेकिन चारों लड़कन का एडमिशन करौलन चारों लड़का जब सयान भइलन नंबर आयल शादी का शादी भी चारों का हो गई आ जब शादी हो गई तो अब नंबर का आयल बंटवारा का जो उनकी घर घर का लीला बा भाई भाई में बंटवारा होत बा भगवान बनौले कि भाई भाई में प्यार रही मोहब्बत रही लेकिन भाई भाई में दुख का बटौल ना मूड़ी कटौल होत बा। रामशोक भी एक मिनट खाती बैठ जाइए भगवान भाई बनौले कि दुख बाटे बदे लेकिन आज वो भाई दुख ना बाटत बा मूड़ी काटत बा भाई के अब चारों लड़िकन के हिस्सा लगे लगल तो 20 बीघा खेत रहल बंटवारा में अच्छा सोहन चाले होता तो 20 बीघा में 10 बीघा सोहन के लड़का का केल बा और 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली हैं लेकिन ना ये बाबू फौजी जवान सोहन 20 बीघा खेत में 5-5 बीघा वो चरहू लड़िकन के नाये कैलन भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा आप लोग भी सोहन जैसा बनने की कोशिश करिए मोहन जैसा अगर भाई पैदा होके के रहे जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो नहीं तो जन्मोवे न करे सच्चाई तो ही भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करबे कि अपने भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटा के लिए कभो मत बनावल जाई का पता कि वो आपका बेटा अयासी कई के तोहरे जियते दारू पी के तोहार प्रॉपर्टी बेच दे
हाथ मीच के रह जाइबा, हाथे कुछ ना आई वृद्धा आश्रम में चल जाइबा। ए लिए हाथ जोड़ के निवेदन करतबानी, बेटवा लायक रही तो कमाई के ऊ बाप के प्रॉपर्टी से ज्यादा बनाई ली, नलायक रही तो खाई के कुल बैठ जाई। तो ए लिए हमार पूरा बिरहा गौले का मतलब होयल कि बंटवारा आप करिए, बंटवारा से विकास होता। अमीना को आपकी बंटवारा मत करा परिवार में, आप बंटवारा करिए, बंटवारा से विकास होला। धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा करा, लेकिन मोहब्बत का बंटवारा मत करिया, प्रेम का बंटवारा मत करिया। क्या आप लेकर आए हैं, मेरा सवाल है, आप क्या लेकर आए हैं? कुछ नहीं, यही पट दे गिरबा मर जाइबा, सारी संपत्ति यही रह जाई, कुछ ना मिले वाला बा। जहाँ अमीर जलत बा वही गरीब वो जलत बा। तोरे 5 बीघा में खेत खेते में घर बनल बा, तू हूँ वह घरवा में ना रहबा, मरले के बाद वही श्मशान घाट पे जाइबा। एको घंटा घर में मुले के बाद ना रह पैबा, तो घमंड किस बात की? हमार हाथ जोड़ की है निवेदन रही कि भैया अपने भाई का हिस्सा क्यों मत खाया। बिरहा के आखिरी लाइन बा, अरे मनवा जही या पैसा पर बिकी, उजाला प्यार लाल दुनिया मारी में हनवा। Bye.